चलिए डॉक्टर साहब, स्टार्ट करते हैं। आज जीओसी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं रेजोनेंस होता क्या है। बेटा रेजोनेंस के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखें, रेजोनेंस क्या होता है, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। अगर पूछा जाए रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो हम लोग बताएंगे इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो पाई इलेक्ट्रॉन ये है, ये यहां से मूव करके यहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका स्ट्रक्चर ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव हमारे पास यहां पर आ गया। अब पहले बात को समझ लेना। देखो लेक्चर हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं जब पूरा लेक्चर आप लोग देखोगे तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। पूछा जाए रेजोनेंस होता क्या है, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। देखो पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया तो मतलब डीलोकलाइज हो गया। ठीक है, क्या जितना भी पाई इलेक्ट्रॉन है सब डीलोकलाइज कर जाता है? नहीं, ये जो होता है अगर पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन बनाता है, किसके साथ कंजुगेशन बनाता है, पाई इलेक्ट्रॉन अगर कंजुगेशन बना दे किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। अगर पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन बना ले किसके साथ, निगेटिव या लोन पेयर के साथ। अगर पाई इलेक्ट्रॉन जो है कंजुगेशन कर ले, पाई इलेक्ट्रॉन किसके साथ, लोन सॉरी फ्री रेडिकल के साथ। अगर पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास कंजुगेशन कर लें किसके साथ, किसी और पाई के साथ। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो हमारे पास पाई अगर अगर पाई बॉन्ड इसको फुलफिल करता है तब फिर वो डीलोकलाइज कर सकता है। अब सर कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन का मतलब समझ लीजिए, अगर पाई आए, पाई के जस्ट बाद सिग्मा आए, समझे रहना, ये चीज कॉन्स्टेंट रहेगी। देखो ये हमारे पास पाई आया, पाई के बाद सिग्मा आया, सिग्मा के जस्ट बाद पॉजिटिव आया, पाई आया सिग्मा आया फिर निगेटिव आया, पाई आया सिग्मा आया फिर फ्री रेडिकल आया, पाई आया सिग्मा आया फिर पाई आया। देखो ये हमारे पास कंडीशन कैसी होती है, कंजुगेशन की कंडीशन होती है। क्लियर नहीं क्लियर? अगर कंजुगेशन कहीं पर आ रहा है दैट मींस वहां पर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, और अगर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन डॉक्टर साहब होगा तो वो रेजोनेंस करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो पूछा जाए रेजोनेंस होता क्या है एक्चुअल में, तो कहोगे इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात सबके समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा देखो यहां पर क्या हो रहा है, जरा समझना इसको, एक काम करो इसको नोट कर लो, 1 2 3 गो। कंडीशन हमारे पास यह है कि अगर हमारे पास पाई बॉन्ड जो होता है वो कंजुगेशन करता है किसके साथ, या पॉजिटिव के साथ या निगेटिव के साथ या खुद पाई के साथ या फ्री रेडिकल के साथ, तो हमारे पास वो क्या करता है, वो क्या कहलाता है, हमारे पास रेजोनेंस कहलाता है। क्लियर नहीं क्लियर? उसमें होता क्या है, उसमें मूवमेंट होता है, किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो जाता है। क्लियर? अच्छा जरा समझना। अब हम लोग यहां से कंडीशन लेते हैं, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन। देखो रेजोनेंस की 5 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन क्या होती है, पाई फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन क्या होती है, पाई फिर सिग्मा निगेटिव या लोन पेयर। थर्ड कंडीशन क्या होती है, पाई सिग्मा या फ्री रेडिकल। फोर्थ कंडीशन क्या होती है, पाई सिग्मा या फिर पाई। एक और डॉक्टर साहब कंडीशन होती है, फिफ्थ कंडीशन भी होती है। पांचवी कंडीशन जो होती है वो ये होती है, पॉजिटिव सिग्मा और यहां पर निगेटिव या इसमें लोन पेयर। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होती है 5। इन 5 कंडीशन को हम लोग 1 by 1 करके पढ़ते चलेंगे, एक पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें कैसे रेजोनेंस होता है वो हम लोग बात करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? चले देखिए इसको नोट कर लें बेटा फटाफट। चले पहले हम लोग कंडीशन नंबर 1 पे आते हैं। देखो कंडीशन नंबर 1 क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक, देखिए यहां पर कंडीशन नंबर, जैसे हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हमारे पास CH2, यहां पर पॉजिटिव। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें, डॉक्टर साहब बताइए क्या इसमें रेजोनेंस होगा? तुम कहोगे सर एक मिनट रुकिए,
अपनी वही पांचों कंडीशन तुमने अपने मन में दोहराई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल और पाई सिग्मा पाई वाली, ठीक है, वो पांचों कंडीशन अपने मन में दोहराई और चेक किया, देखो क्या यहां पर कॉन्जुगेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो पाई, फिर उसके बाद सिग्मा, फिर उसके बाद पॉजिटिव, मतलब मस्त कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन बन रहा है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा, पाई होगा, बीच में सिर्फ एक सिग्मा होगा, बीच में सिर्फ एक सिग्मा होगा, और उसके बाद या तो पॉजिटिव आए या निगेटिव आए या लोन पेयर आए या फ्री रेडिकल आए या खुद पाई आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक। लेकिन अगर हम तुमसे पूछें CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, हम पूछे क्या इसमें रेजोनेंस होगा, तुमको अगर सर चेक करके बता रहे, रुकिए जरा, तुमने कहा यहां पाई फिर सिग्मा फिर सिग्मा, देखो दो सिग्मा एडजेसेंट पे आ गए, एक के बाद एक दो सिग्मा आ गए, अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो मना कर देना कि वहां पर क्या रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर नहीं क्लियर, देखो यहां पर पाई है फिर सिग्मा दो सिग्मा अगर एक के बाद एक आ जाए तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास रेजोनेंस नहीं होगा। हालांकि इसके पास भी पाई और पॉजिटिव है, इसके पास भी पाई और पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन डेवलप नहीं हो रहा। कॉन्जुगेशन का मतलब एक नंबर पे पाई हो, दो नंबर पे सिग्मा हो, तीन नंबर पे कुछ भी तुम्हारे वेरिएबल हो सकता है, तीन नंबर पे पॉजिटिव हो सकता है, तीन नंबर पे निगेटिव हो सकता है, तीन नंबर पे लोन पे हो सकता है, तीन नंबर पे फ्री रेडिकल हो सकता है, और तीन नंबर पे खुद पाई भी हो सकता है। क्लियर नहीं क्लियर, तो ये पांचों कंडीशन दिमाग में बैठा के रखना, अगर ये कंडीशन कहीं फुलफिल हो रही है तुम कहोगे हाँ सर इसमें जो है रेजोनेंस, पक्की बात इसमें रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर नहीं क्लियर, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। चले डॉक्टर साहब और आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसको हटा दे रहे हैं, भाई इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ध्यान देना, हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते चलेंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिव वाली कंडीशन आ रही है, देखो पाई सिग्मा तो फिक्स रहेगा, बदलते चलेंगे, एक बार पॉजिटिव लगाएंगे, फिर नेगेटिव लगाएंगे, फिर लोन पेयर लेंगे, फिर फ्री रेडिकल लेंगे, फिर पाई लेंगे, इस तरीके से हम लोग थर्ड वाला बदलते चलेंगे और उसको पढ़ते चलेंगे। क्लियर नहीं क्लियर, अच्छा यहां पर होता क्या, देखो यहां पर पाई जो होता है वो हमारे पास एक स्टेप पीछे चला जाता है, आगे चला जाता है, और जो हमारे पास पॉजिटिव होता है वो हमारे पास दो स्टेप पीछे आ जाता है, ठीक। यानी कि जहां पर हमारे पास पाई बॉन्ड लगा होगा उस पर ये पॉजिटिव चला जाएगा, और जहां पर ये हमारे पास पॉजिटिव होगा वहां पर ये पाई बॉन्ड चला जाएगा। देखो कैसे होता है, देखो ये हमारे पास जो हमारे पास पॉजिटिव है ये गिन के तीन नंबर पीछे आएगा, एक दो तीन, एक दो तीन, थर्ड नंबर पे ये आ गया पॉजिटिव। क्लियर नहीं क्लियर, और पाई बॉन्ड जो होता है एक स्टेप इधर की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये CH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। देखो इन दोनों में रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपस में जो कहलाएंगे ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। ये आपस में दोनों क्या है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। क्लियर नहीं क्लियर, अच्छा जब दो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए तो अच्छा तुमसे पूछा जाए क्या ये चीजें एक्चुअल हैं, नहीं ये चीजें एक्चुअल नहीं होती, ये चीजें हाइपोथेटिकल होती हैं, किसी ने देखा नहीं है कि वहां से पाई बॉन्ड चला तो दूसरी जगह पहुंचा, जो पॉजिटिव था वो तीन नंबर पे आ गया, ट्रायड सिस्टम को फॉलो करके एक दो तीन कड़म 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 कूद के आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्टों की दिमाग की उपज है कि ऐसा होता होगा, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल बोला गया कि ये जो ये हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं डॉक्टर साहब ये हाइपोथेटिकल होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, अच्छा इनका एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी होता है, इनको अगर मिलाया जाए तो इनका एक हाइब्रिड भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। अगर कहीं पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाए तो आप उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये स्केल्टन होता है पूरा लिख डाल देते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे डॉक्टर साहब, इसमें ये चेक करेंगे इसमें कहां कहां पर पॉजिटिव आया है दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर। देखो इस वाले फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन पे है, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन पे, तो जहां जहां पॉजिटिव आया है वहां वहां डेल्टा के साथ पॉजिटिव लगा देंगे,
क्लियर नहीं क्लियर? उसके बाद देखेंगे पाई बॉन्ड कहां कहां मौजूद रहा है दोनों स्ट्रक्चर में। देखो एक बार पाई बॉन्ड यहां मौजूद रहा है, एक बार पाई बॉन्ड यहां मौजूद रहा है, तो जहां जहां पाई बॉन्ड होता है उसको डॉटेड लाइन से डिनोट कर देते हैं। मतलब पाई बॉन्ड यहां पर भी एक स्ट्रक्चर में था, एक स्ट्रक्चर में यहां था। ये जो बन के आता है डॉक्टर साहब, ये हमारे पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन के आता है। ये दोनों आपस में क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। चलें एक बात और समझे, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। दैट मींस जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर नहीं क्लियर? अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी दैट मींस उसकी एनर्जी कम होगी। ये बात हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जिस चीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। ध्यान रखिए जब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे तभी हमने ये बताया था कि बॉन्ड बनते ही इसलिए हैं ताकि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर लें और अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमम कर लें। तो डॉक्टर साहब अगर यहां पर इसको देखा जाए, अगर इसमें रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है दैट मीन्स इसकी एनर्जी कम होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाए, अगर स्ट्रक्चर और हाइब्रिड में पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल, तुम कहोगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है। हम पूछे अगर रेजोनेटिंग हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एनर्जी किसकी ज्यादा है, तुम कहोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होती है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है, बिकॉज जो हाइब्रिड होता है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रक्चर हुआ, ये हाइब्रिड हुआ, समझ में आ गया कैसे हाइब्रिड बनता है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है? क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। जरा एक दो पॉइंट लिखे सर इसमें, इसको बनाइए फिर एक पॉइंट लिखिए। लिखो लिखो, इन दिस सेम एटॉमिक अरेंजमेंट इज प्रेजेंट। इसमें जो होगा एटॉमिक जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, कोई भी एटम एक अपनी जगह से हिला नहीं है। देखो चाहे ये स्ट्रक्चर हो चाहे ये स्ट्रक्चर हो, कहीं पर भी एटम हिला है? देखो कार्बन CH2 यहां पर था, कार्बन CH2 यहां पर भी है। देखो सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन हुआ पाई बॉन्ड का। डीलोकलाइजेशन किसका हुआ? पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड यहां से यहां पर आ गया, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ, लेकिन कोई भी एटम जो था वो अपनी जगह से नहीं हिला। तो इसमें जो हमारे पास एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो सेम रहता है। क्लियर नहीं क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए एक और पॉइंट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए लिखो, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, दे हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, इनके पास ऑलमोस्ट सेम एनर्जी पाई जाती है, इनके पास ऑलमोस्ट सेम एनर्जी पाई जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, इसमें लिखिए मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी डॉक्टर साहब। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छा अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे डॉक्टर साहब रेजोनेंस क्या होता है, तो आप कहोगे सिंपली कहोगे इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, क्या और कुछ होता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, किसी भी एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। तो इसमें सेम एटॉमिक अरेंजमेंट हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इनकी एनर्जीज भी होती है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? एक और पॉइंट लिखिए बेटा, एक और पॉइंट लिख लीजिए, मॉलिक्यूल हैव एक्सटेंडेड, इफ मॉलिक्यूल हैव एक्सटेंडेड रेजोनेंस देन इट इज मोर स्टेबल। मतलब जितना रेजोनेंस ज्यादा उसमें फैला होगा किसी मॉलिक्यूल में, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, किसी मॉलिक्यूल में जितना रेजोनेंस ज्यादा फैला होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? ये सारे कुछ पॉइंट है, अभी इनको अप्लाई करते चलेंगे धीरे धीरे करके, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, अच्छा अगर ये बताइए आपसे ये पूछा जाए, जरा समझ रहिएगा, ये रेजोनेंस जो कराने का तरीका है बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए क्या इसमें रेजोनेंस होगा, तुमको अगर ठहरो सर बताते हैं, तुमने चेक किया, देखो रिंग में तो हो रहा है, रिंग की बात नहीं कर रहे, रिंग की बाहर की बात कर रहे हैं,
तुमने कहा यहां से पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब पाई है फिर सिग्मा है फिर पॉजिटिव, मतलब कंजुगेशन है, पाई हो तो उसके बाद फिर सिग्मा हो फिर उसके बाद पॉजिटिव आ जाए तो कंजुगेशन है। बीच में दो सिग्मा नहीं आने चाहिए, अगर दो सिग्मा एक साथ आ जाते हैं बीच में तो फिर उसमें कंजुगेशन एब्सेंट हो जाता है, तो उसमें कंजुगेशन तो है। अगर कंजुगेशन है तो इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस में होता क्या है, डॉक्स ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, करते क्या है जिधर की तरफ पाई बॉन्ड होता है पॉजिटिव को गिन के तीन नंबर पे पहुंचा देते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसको गिनो, एक सेकेंड कार्बन थर्ड, ये तीन नंबर पे पॉजिटिव आ जाएगा और डबल बॉन्ड उसी के पीछे चला जाएगा, एक स्टेप। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बना डॉक्टर साहब, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो ये बन रहा है कि हमारे पास ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो यहां पहुंच गया, ये यहां पे आ गया, ठीक है, और इसका पॉजिटिव जो गिन के कहां पहुंचा दिया, 1 2 3, मतलब ये यहां पर आ गया, यहां पर पाई पहले से मौजूद था, यहां पर पाई पहले से मौजूद था। अब अगर पूछा जाए डॉक्टर साहब क्या ये बताइए कि इसमें रेजोनेंस होगा आगे फर्दर, तुम कहोगे सर चेक करके बताते हैं। तुमने देखा यहां पर पाई है, यहां पर सिग्मा है, यहां पर पॉजिटिव है, मतलब फिर से कंजुगेशन मिल गया हमें, मतलब इसमें फिर से रेजोनेंस हो जाएगा, और अगर फिर से रेजोनेंस होगा तो इसका एक नया स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखो क्लियर नहीं क्लियर, होता क्या है कैसे कराएंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव होगा ये गिन के तीन नंबर पे आ जाएगा, 1 2 3, मतलब पॉजिटिव यहां पहुंच गया, डबल बॉन्ड एक स्टेप पीछे पहुंच गया, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड पहले से मौजूद था, यहां पर CH2 पहले से मौजूद था और उसके ऊपर डबल बॉन्ड पहले से मौजूद था। अब डॉक्टर साहब आपसे पूछा जाए क्या अब भी रेजोनेंस होगा इसमें, तो देखते हैं हम लोग, पाई सिग्मा पॉजिटिव मतलब फिर से कंजुगेशन मिल रहा है, इसका मतलब फिर से इसमें रेजोनेंस हो सकता है, और रेजोनेंस में क्या होगा, वही काम होगा, ये पॉजिटिव गिन के तीन नंबर पे पहुंच जाएगा, 1 2 3 यहां पे पहुंच जाएगा, और डबल बॉन्ड कहां पे आ जाएगा, यहां से यहां पर आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम यहां डॉक्टर साहब बना दे रहे हैं, देखिए आई थिंक दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, हम नहीं दिख रहे लेकिन स्ट्रक्चर जरूर दिखेगा, ये हमने बना दिया, ठीक। हमारे पास क्या हुआ, ये पॉजिटिव कहां पहुंच गया, यहां पर, तो इसको हमने यहां कर दिया, डबल बॉन्ड एक स्टेप पीछे यहां पर आ गया, ये वाला पहले से मौजूद था, ये वाला पहले से मौजूद था, और CH2 तो पहले से लगा था। पूछा जाए डॉक्टर साहब क्या इसमें अब फिर से रेजोनेंस होगा, तुम कहोगे सर चेक करके बताते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव मतलब कंजुगेशन तो यहां पर भी मिल रहा है, अगर कंजुगेशन मिल रहा है दैट मींस उसमें क्या होगा डॉक्टर साहब, रेजोनेंस तो होगा ही होगा, बिना रेजोनेंस कहां कहां चलेगा, ये पॉजिटिव कहां पहुंच जाएगा, 1 2 3 1 2 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये पॉजिटिव देखो CH2 यहां पर आ गया, क्लियर नहीं क्लियर, और हमारे पास देखो पाई बॉन्ड कहां पहुंच गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर आ गया, यहां पर तो ऑलरेडी मौजूद था, यहां पर तो ऑलरेडी मौजूद था, ठीक। अब तुम कहोगे सर ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आ गए, नहीं, इसमें देखो पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट अलग अलग हो गया, क्लियर है नहीं क्लियर है, तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, क्या बन गए बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज्यादा, देखो पहले भी हम जरा समझे रहना, पहले हम रेजोनेंस समझाएंगे, एप्लीकेशन बाद में समझाएंगे कि रेजोनेंस पढ़ते क्यों है, पढ़ते किस लिए रेजोनेंस है, ये तो हम बाद में बात करेंगे ना, पहले हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे, रेजोनेंस होता क्या है, बाद में उसके एप्लीकेशन बताएंगे कि रेजोनेंस से क्या क्या हेल्प मिल सकती है, रेजोनेंस हम लोग पढ़काए के लिए रहे, पहले ये तो जान ले रेजोनेंस क्या होता है, तो हमको ये मालूम चल गया रेजोनेंस क्या होता है, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें एटम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसमें क्या होता है बेटा, ये जो बन के आए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका एक हाइब्रिड भी बन सकता है, हाइब्रिड कैसे बनेगा जरा देखिए, हाइब्रिड बनाने के लिए सबको सिंगल बॉन्ड वाले सारे आइटम हम लोग सारा स्केल्टन यहां बना देते हैं, देखो ये सब सिंगल बॉन्ड से बना दिया, उसके बाद चेक करते हैं पॉजिटिव कहां कहां पे रहा, देखो CH2 पे पॉजिटिव रहा, फिर यहां पे रहा, फिर यहां पे रहा, फिर लास्ट में यहां पर रहा, तो इतनी जगह पे पॉजिटिव रहा, तो एक पॉजिटिव यहां पे लगा देंगे, 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 लेकिन विद डेल्टा, डेल्टा के साथ इसको लगाएंगे बेटा, डेल्टा डेल के साथ लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे पाई बॉन्ड कहां कहां पे मौजूद है था, देखो पाई बॉन्ड एक तो यहां पे मौजूद है, एक यहां पे मौजूद है, फिर उसके बाद यहां 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 मौजूद है, यहां पे भी मौजूद है, मतलब पाई बॉन्ड देखो हर जगह मौजूद है, सारे स्ट्रक्चर मिला के देखोगे तो पाई बॉन्ड देखो यहां मौजूद था, तो हमने यहां पे इसको लगा दिया,
फिर इस वाले स्ट्रक्चर में देखा इस वाली पोजीशन में मौजूद है, तो हमने यहां पर भी डॉटेड लगा दिया। फिर और आगे बढ़े इस वाले स्ट्रक्चर में देखो यहां पर मौजूद है, तो हमने यहां पर भी लगा दिया, ठीक है। फिर और आगे बढ़े, फिर इस वाले स्ट्रक्चर में देखो यहां पर मौजूद है, तो हमने ऐसे लगा दिया। तो कुल मिला के जो ये पाई होता है वो हर जगह मौजूद होता है, इसलिए पूरे स्ट्रक्चर में डॉटेड डॉटेड हम लगा देते हैं। ये डॉक्टर साहब जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आया, दिस इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड, और ये हमारे पास क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड है और वो क्या हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए बेटा नोट करिए, जल्दी नोट करिए। वन टू थ्री, ओ शिट, सही है, कोई दिक्कत नहीं, चल मिटा रहे इसको बेटा, सही है, बिल्कुल सही है। चले बेटा ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देख के बताइएगा। बताओ क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है, जल्दी बोलें, इसमें रेजोनेंस करा पाओगे? बड़े खुशी खुशी सारे बच्चे कहेंगे सर यस सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? कहेंगे देखो यहां पर पाई है, सिग्मा है, पॉजिटिव है, मतलब मस्त कंजुगेशन है, कंजुगेशन है तो रेजोनेंस है। तो सब लोग कहेंगे बहुत बढ़िया बात है, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, CH3 था, NH3 था, पॉजिटिव यहां पे ले आए, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, मतलब रेजोनेंस हो गया। बट इसमें रेजोनेंस डॉक्टर साहब नहीं होता, इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं होता, इसमें बच्चे बताएंगे जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हैं और जो हमसे रेगुलर पढ़ भी रहे हैं, उनको यह मालूम होगा नाइट्रोजन नेवर बी पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकती, क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होता, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से वो पेंटावेलेंट नहीं हो सकती, कभी पांच बॉन्ड नहीं बना सकती। और यहां पर देखो डॉक्टर साहब गुस्ताखी हमने यही कर दी, दो बॉन्ड ये हो गए और तीन हाइड्रोजन मिला के पांच बॉन्ड बना दिए, ले इसी वजह से ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होने वाला। क्लियर नहीं क्लियर? बोले बेटा जल्दी बताए, बहुत बढ़िया। चले इसके बाद जो है बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही निगेटिव वाला होता है, अगर हमारे पास कहीं पर निगेटिव मौजूद हो तो बिल्कुल यही होगा। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है उसको हम बोलेंगे पाई सिग्मा निगेटिव या हमारे पास लोन पेयर, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे रेजोनेंस इसमें कराया पॉजिटिव वाले में, वैसे निगेटिव वाले में करा देंगे। पूछा जाए बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तुमको अगर रुकिए सर बताते हैं, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा और ये रहा निगेटिव, देखो कंजुगेशन बन रहा है, पाई सिग्मा निगेटिव हो सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव हो सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर हो सकता है और पाई सिग्मा पाई भी हो सकता है। तो देखो इसमें पाई सिग्मा निगेटिव बन रहा है, मतलब इसमें कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। कैसे डिलोकलाइज कराएंगे, जो निगेटिव होगा उसको गिन कर तीन नंबर पे भेजो, एक दो तीन, निगेटिव डॉक्टर साहब यहां पर आ जाएगा, देखो निगेटिव यहां पर आ गया, और जो डबल बॉन्ड है वो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इसमें भी देखो हमारे पास क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि रेजोनेंस कैसे होता है, कहां कहां पे होता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर हमारे पास ये आ जाए कहीं पर, देखो CH2 निगेटिव, पूछा जाए क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा डॉक्टर साहब, क्यों होगा? ये हुआ पाई, ये हुआ सिग्मा, ये हुआ निगेटिव, कैसे होगा?
पाई यहां से यहां पहुंच जाएगा, निगेटिव 1, 2, 3 हो जाएगा, और जैसे हमने इससे पहले बेंजीन रिंग में नचाया था बिल्कुल वैसे यहां पर नाच जाएगा, पूरे रिंग में जो है निगेटिव नाच के फिर अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? इसमें वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वैसे ही रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेंगे, कुछ भी नई चीज नहीं है, बस आपको सिखा रहे हैं कि अगर आपको कहीं पर पाई सिग्मा पॉजिटिव मिल जाए, पाई सिग्मा नेगेटिव मिल जाए, पाई सिग्मा लोन पेयर मिल जाए, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल मिल जाए, या पाई सिग्मा पाई मिल जाए, तो हम कह देंगे कि हाँ उसमें रेजोनेंस होता है। हम अभी यह पहचानवा रहे हैं कि रेजोनेंस कहां कहां होता है, आप तो यह जान गए रेजोनेंस क्या होता है, कैसे मूव करता है, ये भी हम सिखाए दे रहे हैं। अब इसके अभी 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 इसके एप्लीकेशन नहीं बता रहे, जब इसके एप्लीकेशन बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इससे ये फायदे हो रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चले देखते हैं। अगर हमारे पास देखो पाई सिग्मा नेगेटिव था, उसी में एक चीज और भी थी, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, अगर उसमें लोन पेयर भी साथ में हो तो कैसे करेंगे? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास Cl है, इसके पास लोन पेयर, क्लोरीन के पास लोन पेयर है। पूछा जाए रेजोनेंस होगा, चेक करते हैं, हमने कहा पाई, हमने कहा सिग्मा, हमने कहा लोन पेयर, मतलब पाई भी है, सिग्मा भी है, लोन पेयर है, कंजुगेशन भी है। अब कंजुगेशन को भी भूलना मत, कंजुगेशन क्या होता है, पाई होगा, फिर सिग्मा होगा, फिर लोन पेयर, मतलब जो हमने लिखाया उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे ही रहेंगे, सब सीक्वेंस में रहेंगे। अगर कहीं पर भी लगातार 2 पाई आ जाए, या अगर कहीं पर लगातार 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाए बीच में, तो फिर वहां पर कंजुगेशन ब्रेक हो जाया करता है और वहां पर रेजोनेंस उसमें नहीं होगा। क्लियर नहीं क्लियर? डॉक्टर साहब इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, दिख तो रहा है हमको रेजोनेंस, बहुत मस्त रेजोनेंस होगा, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास कंजुगेशन मौजूद है। क्लियर? चलिए अच्छा, अब इसमें मूवमेंट कैसे होता है? देखो पॉजिटिव निगेटिव वाला तो बहुत आसान था, हमने मूवमेंट करा दिया, इसमें कैसे क्या मूवमेंट होता जरा देखिएगा। इसमें मूवमेंट ऐसे होता है, सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास जो लोन पेयर होते हैं वो यहां पे उतारते हैं हम लोग, ध्यान देना पहले, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, लोन पेयर जब यहां पे उतारेंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, अगर इसके पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, CH हो जाएगा, और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ध्यान देना, अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोन पेयर बचे। क्लियर? इसने अपना लोन पेयर यहां पे दे दिया, अगर इसके ऊपर जाएगा तो इस पे आएगा निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा तो ये हमारे पास जो पाई में इलेक्ट्रॉन है ये भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन शुरू हो जाएगा, और रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा, देखो इस पे आना था निगेटिव, क्यों? क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया ना अपना, ठीक है। अब जब यहां पर निगेटिव आ जाएगा तो ध्यान देना, ये हमारे पास समझना, इस पे आया नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव CH, और ये हमारे पास रहा Cl। क्लियर नहीं क्लियर? ध्यान देना, हमारे पास ये चीज देखो, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव कहीं पर आया था, डॉक्टर साहब एक बात समझ रहे ना, अगर कहीं पर नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ कहीं पर आ जाता है तो उसमें डबल बॉन्ड बन जाया करता है। क्या होता है बेटा? उसमें डबल बॉन्ड बन जाया करता है, तो यहां पर ये तो डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, इस पे निगेटिव आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? इस पे निगेटिव आ गया, ये CH हो गया, ये Cl हो गया, इस पे रहेगा पॉजिटिव, यहां पर 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद रह गए, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, समझ में आ गया? क्लियर नहीं क्लियर? जल्दी बोले बेटा, स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया बात है, इसे नोट कर लें प्लीज। आई थिंक नोट हो गया होगा, ठीक है। चलें, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताई जा रहे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, हमेशा क्या करना होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, कौन कौन से? एक तो यहां पर जब इसको उतारेंगे तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा, और एक इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर निगेटिव आ जाएगा, जो डबल बॉन्ड जहां पर होता है उस पर निगेटिव आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। क्लियर नहीं क्लियर? चले
नेक्स्ट हम लोग इसका पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। बेटा जितने ज्यादा एग्जांपल पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा। ठीक, पूछा जाए क्या इसमें रेजोनेंस होगा? देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? कंडीशन बिल्कुल फुलफिल है। क्या होता है बेटा, ये अपने लोन पेयर यहां पे देगा, अगर ये लोन पेयर इधर देगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो जाएगा इस पर। क्लियर, बात समझे रहे ना? अगर वो उस पर ब्रेक हो जाएगा तो ध्यान देना, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक हमको मालूम चल गई, बॉन्ड को लोन पेयर को उतार देंगे और बॉन्ड को आगे ब्रेक करा देंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने कराया ना, बिल्कुल वही चीज आ गई। अब जो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए इसने चूंकि अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर चूंकि प्लस माइनस आया होगा तो इस पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो डबल बॉन्ड वहां मौजूद हो गया। यहां पर क्या था, ध्यान देना बेटा, यहां पर पहले से डबल बॉन्ड था और यहां पर पहले से डबल बॉन्ड था। अब इसके आगे क्या होगा, ये पाई ये सिग्मा ये निगेटिव, अब लोन पेयर नहीं है ये निगेटिव है, तो जैसे इससे पहले निगेटिव को हमने घुमाया था और पॉजिटिव को घुमाया था वैसे ही घुमा देंगे। निगेटिव यहां से चलेगा, एक बार यहां पर आएगा, फिर सॉरी एक बार यहां पर 1 2 3 यहां पर आएगा, फिर यहां से 1 2 3 यहां पर जाएगा, फिर 1 2 3 फिर वही पहुंच जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? इसको भी हम लोग वैसे ही घुमा देते हैं, तो इसको आप लोग ऐसे ही नोट कर लें। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा, इसमें भी हमारे पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। पूछा जाए रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो बेटा हाइब्रिड तो हमको मालूम ही कैसे बनेगा, हमको समझ में आ गया ये निगेटिव कहां कहां पे होगा। एक तो हमारे पास इस पे तुम्हारे पास पॉजिटिव है बेटा, इस पे निगेटिव रहेगा, इस पे निगेटिव रहेगा, इस पे निगेटिव रहेगा, डबल बॉन्ड यहां पर भी था, डबल बॉन्ड यहां पर भी, हर जगह रहेगा, तो ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड तैयार हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर बेटा? बोलिए, बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, चले एक और एग्जांपल करा देते हैं, करते जाइए, टेंशन ना लीजिए, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। देखो पॉजिटिव वाला बताया कैसे होगा, जैसा पॉजिटिव होता है डिप्टो वैसे निगेटिव होता है, बट अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, क्या इसमें हमारे पास रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा डॉक्टर साहब, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? OH है हमारे पास, होगा। ये पाई ये सिग्मा ये लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है, बहुत बढ़िया कॉन्जुगेशन है, जबरदस्त कॉन्जुगेशन है। लेकिन होता क्या है, अगर हमारे पास लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर को अगले बॉन्ड पे उतार दिया करते हैं और इस बॉन्ड को अगले बॉन्ड पे ब्रेक कर दिया करते हैं, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा डॉक्टर साहब बताइए जरा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पर तो निगेटिव आ जाएगा चूंकि बॉन्ड इधर टूट रहा है। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटे ऐसे गए तो फिर बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा, फिर उसमें प्लस आई माइनस आई मत लगाने लगना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किए तो फिर बॉन्ड उसके आगे ब्रेक कर जाएगा, ये बात को समझ देना अच्छे तरीके से। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर देखिए बॉन्ड इधर के मूव किया तो इधर निगेटिव आ जाएगा, यहां पे ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर पहले से डबल बॉन्ड मौजूद है, यहां पर पहले से डबल बॉन्ड मौजूद है, मतलब इसमें भी रेजोनेंस होगा और जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं वैसे इसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी तैयार हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अब देखो हम बार बार चीजों को दोहरा नहीं रहे, कि आप बार बार दोहराएं तो आपको वही समझ लगेगा, तो इसमें दोहराने से अच्छा है कि आप लोग जो है एक बार हमने जो बता दिया सारा फिनोमेनन वही पे होना है, वही होना है। क्लियर? चलिए इसमें थर्ड लिखिए बेटा, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल की कंडीशन कर लेते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? देखो होना इसमें भी बिल्कुल वही है जो वहां पे हुआ, बिल्कुल वही पे होना है। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 और यहां पर फ्री रेडिकल एक मौजूद है। क्लियर? जो अभी तक पढ़ते हैं बिल्कुल वही होगा। क्या होगा? जो फ्री रेडिकल होगा 1 2 3 यहां पर आ जाएगा और डबल बॉन्ड एक स्टेप पीछे आ जाएगा।
ठीक है, फ्री रेडिकल हमारे पास यहां पे आ गया। ठीक, ये तो हमने तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी कि ऐसा होगा, लेकिन कैसे होगा, इसकी वजह कैसे होती है? देखो इसमें ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला डबल बॉन्ड जो होता है, ये ब्रेक करता है, ठीक है, और इसमें होमोलिसिस होगी। जीओसी वन आपको याद आ रहा होगा, तो इसमें होमोलिसिस होगी। तो अगर होमोलिसिस होगी तो एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, इंटरमीडिएट जो बनेगा, वो ये बनेगा कि एक लो, एक उसके पास फ्री रेडिकल, इसके पास एक फ्री रेडिकल, इसके पास ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेते हैं और यहां पर एक फ्री रेडिकल रह जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। ठीक, मैकेनिज्म हम बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं रहे, आपको ट्रिक्स के जरिए समझा रहे हैं। रेजोनेंस की मैकेनिज्म बहुत ज्यादा समझा नहीं रहे, आप बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख ले, उसके अंदर क्या होता है यार, अभी इतनी डिटेल हमसे नहीं पूछना है भाई। हमको क्या है, हम तो एमएससी पढ़ा दें, पूरी एमएससी पढ़ा दें, पीएचडी जो किए पढ़ा दें, तो पीएचडी का पढ़ा दें, एमएससी का पढ़ा दें, लेकिन वो आपके फायदे का नहीं है ना। रेजोनेंस में बहुत सारे लेक्चर हम ले सकते हैं, बट यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि रेजोनेंस में करना क्या होता है आपको। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आपको लोन पेयर मिल जाए तब भी आपको वैसे ही मूव कराना है, अगर आपको नेगेटिव मिल जाए तब भी वैसे ही मूव कराना है, आप पॉजिटिव मिल जाए तब भी वैसे ही मूव कराना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो तीन हमारे पास ऐसे होते हैं। अगर लोन पेयर मिल जाए कहीं पर, तो लोन पेयर में क्या करना होता है, लोन पेयर में पहले लोन पेयर को उतारना होता है, जहां पर लोन पेयर होता है उस पर पॉजिटिव लगाना होता है, और हम लोगों को उसको तोड़ना होता है जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। क्लियर, कोई डाउट? बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी हम इसका कंक्लूजन भी दे देंगे आराम से। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल वाला हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? अब कौन बचा? अब हमारे पास बचा पाई सिग्मा पाई वाला बचा, पाई सिग्मा पाई वाला बचा, पाई सिग्मा पाई वाला बचा। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए पाई सिग्मा पाई। थोड़ा सा मैं दो घूंट पानी पी लें। चलिए लगाइए पाई सिग्मा पाई। चल एग्जाम्पल देखें, सी एच टू, डबल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू। अच्छा, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। यह खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इसमें एक बार पूछा गया है कि क्या यह कंपाउंड जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा या नहीं। क्वेश्चन डॉक्टर साहब इसमें यह पूछा गया कि यह जो मॉलिक्यूल है यह जी आई शो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बड़े महानुभाव लोगों ने कहा कि यह नहीं कर पाएगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या जरा समझिएगा। इसमें होता है रेजोनेंस, इसमें क्या हो रहा है रेजोनेंस, देखना पाई सिग्मा देन पाई, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, यही तो कंडीशन थी, पाई हो फिर सिग्मा हो फिर पाई हो, दो सिग्मा बीच में नहीं आना चाहिए, एक ही सिग्मा आना चाहिए। तो ये है पाई सिग्मा देन पाई आ रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? होता क्या है, इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग कराते हैं। ध्यान देना, एक बार बॉन्ड जिधर ब्रेक कर जाता है तो सारे बॉन्ड उसी डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। अगर हमने इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करा दिया तो ये वाला बॉन्ड भी इधर ही ब्रेक करेगा, यानी कि इसको अपोजिट ब्रेक करा देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? चूंकि ये सिमेट्रिकल था तो चाहे हम इसको इधर ब्रेक कराए, इसको इधर ब्रेक कराए, या इसको उधर ब्रेक करा दें, इसको उधर ब्रेक करा दें, चूंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था तो ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं थी हमारे पास। तो ध्यान देना, जिधर हमारे पास हेड होता है उस पर निगेटिव, उस पर पॉजिटिव, उस पर निगेटिव, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुछ इसका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर डॉक्टर साहब ये बनेगा कि इस पे आएगा पॉजिटिव, ये सी एच निगेटिव, और ये सी एच पे पॉजिटिव, और ये हमारे पास सी एच टू निगेटिव आ जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी कभी भी डबल बॉन्ड और सॉरी पॉजिटिव और निगेटिव अगल बगल में आ जाते हैं, एडजेसेंट पे आ जाते हैं, तो फटाक से वो बॉन्ड बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक के पास जाती होती है, एक दूसरे को देता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, और आपस में बढ़िया सी बॉन्डिंग तैयार कर ले जाते हैं। तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर आपस में क्या बना लेंगे बेटा,
बॉन्ड बना लेंगे, तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये हमारे पास CH2 माइनस, ये CH2 प्लस आ जाएगा। अब जरा आप लोग ये देख के बताएं क्या ये GI शो कर पाएगा? बिल्कुल शो कर लेगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग गलत करके आ जाओगे। ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो होता है ऐसे दिया जाएगा, क्या ये GI शो करेगा? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस करके वो अपने आप को स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेगा और उसके बाद वो क्या करेगा बेटा, हमारे पास GI शो कर देगा। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं? इसमें रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस की वजह से इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, GI मौजूद होगा। क्लियर? अभी अभी बताएंगे, अभी इसमें बताएंगे कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, ये सारी बातें अभी धीरे धीरे करके आएंगी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको हम रेजोनेंस सिखा रहे हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। सो नोट कर लिया? चलिए 1 2 3 गो, नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, देखिए दरबार, चले आप हमको ये बताएं, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? अच्छा पाई सिग्मा, ध्यान देना पाई पाई सिग्मा मिल रहा है, इसके बाद ना ही कोई लोन पेयर है। अब ये ना कहना सर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, हाँ भैया ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर मौजूद होंगे, लेकिन लेकिन अगर ऑक्सीजन को देखोगे तो बीच में फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ध्यान देना ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें रेजोनेंस इस वजह से होगा कि जब इसको बनाओगे CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना? ठीक है, पाई सिग्मा के बाद, पाई सिग्मा के बाद कोई भी चीज आ जाए, लोन पेयर आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमारे पास में रेजोनेंस होता है। पूछा जाए इसमें रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा पाई, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा डॉक्टर साहब। अच्छा अगर इसमें रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा? अच्छा इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग अब यहां पर इस्तेमाल करेंगे, अभी हम कल आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा चुके हैं ना, तो उसमें आपको बताया था बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा आइटम होगा उधर ही को बॉन्ड तोड़ेंगे। अब ये ना करेंगे पहले इसको इधर तोड़ दें तो इसको उल्टा इधर तोड़ दें, ना, नियम यह कहता है कि जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर बॉन्ड टूटेगा, तो ये अगर इधर बॉन्ड टूटा है तो ये भी इधर टूटेगा, तो डॉक्टर साहब इस पे नेगेटिव उस पे पॉजिटिव उस पे नेगेटिव उस पे पॉजिटिव, जिधर हेड होता है नेगेटिव उसके अपोजिट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बन जाएगा डॉक्टर साहब वो बनेगा CH2 CH, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही चुका है, इस पे पॉजिटिव सॉरी इस पे नेगेटिव और ये हमारे पास CH इस पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव आ जाएगा, ये सॉरी ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक है, ये हमारे पास इस पे पॉजिटिव रहेगा। अगर निगेटिव और पॉजिटिव कहीं पर हमको एडजेसेंट पे दिख जाते हैं तो डॉक्टर साहब वो आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लिया करते हैं, तो इसमें देखो एक स्ट्रक्चर ये था इसका इंटरमीडिएट ये बना और लास्ट में ये स्ट्रक्चर इसका हाइब्रिड बन गया, इस पे डॉक्टर साहब पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेंस हो गया। इसमें अगर आपको कहीं पाई सिग्मा पाई दिख रहा है तो उसका भी रेजोनेंस हमने आपको करा डाला। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग अच्छे से समझ रहे हो इस बातों को, इन बातों को। अच्छा अगर हमारे पास जो है ये मिल जाए बेंजीन रिंग, बहुत गर्मी है, टू मच, इट्स टू मच, चले बेटा देखें आप लोग इंटू टू की स्पीड में देखें, इंटू 1.5 की स्पीड से देखें, हम तो मस्ती से पढ़ाएंगे बस। बताएं डॉक्टर साहब क्या इसमें रेजोनेंस होता है? अरे यार इसमें तो बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि इसमें रेजोनेंस होता है होता है होता है होता है, कैसे होता है जरा, इसमें होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, एक ही डायरेक्शन में सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अगर ये इधर ब्रेक किया है तो ये भी इधर की तरफ ब्रेक करेगा और ये भी इधर ही ब्रेक करेगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अब देखो इसमें ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहां पर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है सॉरी ये उधर टूटेगा,
एक ही डायरेक्शन में टूटेगा ना, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहां पे बॉन्ड बनाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहां पर बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है, इसके छह स्ट्रक्चर बनते हैं, कैकुले ने दिए थे इसके छह स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। कितने स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें, सिक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम लोग जो है कैकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, इसका हाइब्रिड कैसा होगा हमको मालूम है, हमको ये मालूम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? देखो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे देखो एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक कराया ना हमने, तो अगर इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आएगा तो इधर बॉन्ड ब्रेक कराएंगे उसी डायरेक्शन में कराएंगे ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे तो ये यहां बना लेगा, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां मौजूद आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां मौजूद हो जाएगा ये वाला, फिर क्या होगा, फिर इसमें ब्रेकिंग होगी। मान लिया इधर ब्रेकिंग हुई, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ गया, फिर देखो इधर नेगेटिव इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर देखो क्या होगा, फिर ये और ये मिलके यहां पे बॉन्ड बना लेंगे, ये और ये मिलके यहां पे बॉन्ड बना लेंगे, और ये और ये मिलके यहां पे बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से इसमें छह स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, और छह स्ट्रक्चर बनते हैं, सिक्स स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको हम लोग कैकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसका अगर हाइब्रिड बनाना हो तो हमको मालूम है, देखो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं आपको, कि आपको हम 11 12th के हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दें, है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप नीट ओरिएंटेड या जेई मेंस देने जा रहे हैं तो आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखाएंगे कि ट्वेल्थ में बच्चे हो तो उसको स्ट्रक्चर बनाना एक सिखा रहे हैं, ट्वेल्थ लेवल पढ़ा ही नहीं रहे बेटा, यहाँ पे हमको क्वेश्चन कराने हैं। अभी तो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये आप समझ लिए कि ये आपके जो है एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी क्वेश्चन तो हमने कराया नहीं रेजोनेंस पे, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा जो है हम इसको खींचेंगे नहीं, ठीक है। देखिएगा बेटा, अगर इसका हाइब्रिड हम बनाना चाहें तो हाइब्रिड कुछ इस तरीके से होगा। देखो यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड। ओ, तो अब समझ में आया कि हम लोग क्या करते थे, जो ऐसे बेंजीन बनाते हैं और ऐसे गोला बना देते हैं उसका मतलब ये होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड का मतलब ये होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड ही वो होता है। इसीलिए हम लोग बॉन्ड ना बना करके क्या बना लेते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड कॉन्टिन्यूसली ब्रेक होते रहते हैं, बनते रहते हैं, जो कहा यहां पर एक, जहां पर एक बार बॉन्ड होगा एक बार नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा तो ये नाचता रहता है, ठीक है। इसके सिक्स स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? सिक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ध्यान देना। बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे इसमें कितने बनते हैं, छह इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए। आई थिंक आपको सब क्लियर हो रहा है, बोले बेटा। चलें, इसका लास्ट पोर्शन बताइए, लास्ट पोर्शन। लास्ट पोर्शन बताइए, देखिए एग्जांपल, लास्ट पोर्शन क्या है हमारे पास, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में था ये पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, निगेट पॉजिटिव सिग्मा निगेटिव या लोन पेयर, हमें कुछ भी मिल जाए अगर ये कंजुगेट में आ गए तब भी उसमें क्या होगा बेटा, रेजोनेंस हो जाया करता है। क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलो बेटा। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। देखो इसमें कैसे होता है, मान लिया हमारे पास CH3 N डबल बॉन्ड H, और क्या है हमारे पास CH2 प्लस है। पूछा जाए क्या इसमें रेजोनेंस होगा, देख के बताते हैं। पॉजिटिव सिग्मा फिर लोन पेयर, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर। अच्छा, हम रिवर्स भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, बीच में सिग्मा होना चाहिए, एक तरफ लोन पेयर या नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा डॉक्टर साहब। अब अगर ये होगा तो उसमें कहानी वही होगी, ये अपने लोन पेयर यहां पे उतार देगा, लोन पेयर अगर वहां पे उतार देगा तो CH3 हो जाएगा, और NH चूंकि उसने लोन पेयर दिए तो उस पर खुद पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसका जो पॉजिटिव था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन पा लिया है। क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास क्या कंडीशन है, फिफ्थ वाली। क्लियर? बहुत बढ़िया। चले बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान देना ध्यान देना, बस एग्जाम्पल ही कराएंगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करा सकते उतने ज्यादा करा देंगे बेटा, टेंशन मत लेना। चलें, इसमें एग्जांपल आई थिंक सारे हो गए हैं खत्म।
अब इसके एग्जाम्पल जो है बचे नहीं है, ठीक है, आई थिंक अब सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए, हमने एग्जाम्पल ले लिया ये वाला। अगर पाई सिग्मा लोन पेयर मिल जाए, पाई सिग्मा निगेटिव मिल जाए, पाई सिग्मा पॉजिटिव मिल जाए, ऐसी कहीं भी कंडीशन मिल जाए तो उसमें रेजोनेंस होगा। कैसे रेजोनेंस होता है, कैसे उसके स्ट्रक्चर बनते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को मालूम चल चुकी हैं। अब कल जो है इसका नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा रेजोनेंस का, तो उसमें हम आपको बताएंगे इसके हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, सॉरी इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। एक हमने जितने भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं वो इसी तरीके से एक इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन है, दूसरे में हमारे पास क्या होगा उसका एप्लीकेशन होगा। तो पहला लेक्चर हमारे पास ये खत्म हुआ, इसमें आप लोगों को मिल गया है कि इसमें इंफॉर्मेशन हो गई है कि रेजोनेंस होता क्या है, कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या कंडीशन होती है। अब इसके एप्लीकेशन वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, सवाल वहां से पूछे जाएंगे, यहां से तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसको हमने बहुत ज्यादा लंबा खींचा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बनवा दे, बहुत ज्यादा परेशान कर दे, नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये एहसास होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, इसमें नहीं होगा। बस आपको अगर ये मालूम चल गया कहाँ रेजोनेंस हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, तो आपको सारे क्वेश्चन रेजोनेंस के लग जाएंगे। और अगर आपको यही नहीं मालूम चल रहा है कि इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है, बस आप गिनते रहिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई, या पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, या पॉजिटिव सिग्मा निगेटिव, ऐसी कंडीशन कहीं बन रही है तो हम लोग उससे बोल देते हैं कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में कल मुलाकात होती है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।